कॉम्पिटिटिव रहो आपकी वजह से। बहुत अच्छा एक ये मैसेज जो है ये पैगाम दिया गया है ईद के ऊपर, ऑन द ईव ऑफ ईद। मैं यही चाहूँगा कि मेरी तरफ से और जम्मू वासियों की तरफ से सारे समाज को जम्मू कश्मीर में, चाहे वो बाहर देश में विदेश में जहाँ जहाँ भी हैं, ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद है। और जिस तरह आज हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर या देश के अंदर सूफीज़म को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो हमारा सदियों का भाईचारा रहा है, हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक हमारे जो फादर फोर फादर इकट्ठे हम चलते आए हैं, किसी कोई बीच में कोई बात नहीं थी। कुछ काला दौर आया है, वो भी आज आने वाले समय में ठीक हो रहा है। यही नौजवानों से अपील करूंगा, जिस तरह आप इस सूफीज़म को आगे बढ़ा रहे हैं और इसको और आगे कैसे बढ़ाया जाए, पिछले दिनों यहाँ अजमेर शरीफ के जो प्रेसिडेंट हेड आए हुए थे अमीन भाई, उनसे भी मेरा रब्ता हुआ, बैठना हुआ उनसे भी, वो भी आगे 15 दिन में आएंगे और अलग अलग हम प्रोग्राम ऐसे सूफीज़म पे जहाँ जहाँ हो सकेगा काजमी साहब से मिलके, हमारी जो बोर्ड की जो हमारी चेयरमैन है भाई सिर्फ, उनसे मिलकर हम सब इसको पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर कोने कोने में जहाँ जहाँ तक होगा हम इस भाईचारे के पैगाम को घर घर तक पहुँचाएंगे। थैंक यू सर। जी सर, जानम फिदाए हैदरी मुश्ताक खान साहब का एक कंसेप्ट है। कल ईद है और 2 साल बाद कोरोना की महामारी के बाद पहली ईद है जो खुली फिज़ा में मनाई जा रही है। तो मैं समझता हूँ मेयर साहब का, ऑनरेबल मेयर का शुक्रिया भी है और एक लाउड एंड क्लियर मैसेज इन्होंने दिया इसको रिलीज़ करके कि जम्मू कश्मीर आपसी रवादारी, आपसी मोहब्बत, आपसी प्यार का एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसको देख के पूरा दुनिया आगे चलती है। और उसके ईद के एक दिन पहले इस नात का आना और इसको रिलीज़ करना, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मुश्ताक साहब का और आशु जी का, कि नातों के माध्यम से, भजनों के माध्यम से रियासत का नाम आगे बढ़े। क्योंकि असली एसेंस जो है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की वो सूफीज़म की है, सिटी ऑफ टेम्पल्स की है। तो ये सब चीज़ें जब इन नातों के ज़रिए पूरी दुनिया को पता चलेगी तो कोई ऐसा इंसान नहीं है जो जम्मू कश्मीर में नहीं आना चाहेगा। और वो जो नेगेटिव स्टांस है वो कभी कामयाब नहीं होगा जम्मू कश्मीर की आपसी रवादारी को और खिलने और आगे जाने में। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि ऐसे मेरे भाई और आए जो जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करें, साथ साथ पूरे भारत का नाम रोशन करें। पेरेंट्स हैं मेरी, उनसे गुजारिश है क्योंकि अपने बच्चों का रख रखाव पेरेंट्स का काम है, फिर स्कूल अथॉरिटीज़ का काम है, और अगर कोई बच्चा ऐसे डिरेल होता है तो सोसाइटी एज ए बाय लार्ज उनका फ़र्ज बनता है कि ऐसे बच्चों को उन बुराइयों से बचाएं और किसी न किसी तरह अच्छी डगर पे, जैसे स्पोर्ट्स है, बाकी है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, उनमें इन्वॉल्व करें ताकि कोई भी बच्चा हमारा डरेल ना हो। और वो लोग जो हमारे बच्चों को डरेल करना चाहते हैं या वो मुल्क जो हमारे इस खत्ते में अमन नहीं चाहते हैं, उनको एक करारा जवाब मिले। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम ऐश पे, मैं सिंगर और म्यूज़िक डायरेक्टर हूँ। तो जम्मू से हूँ, बेसिकली कश्मीरी पंडित हूँ। सो अभी काफ़ी देर से काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है। कल ईद है तो महीना पहले सोचा था कि कुछ एक हम भी कंट्रीब्यूट करें अपने स्टेट के लिए। इससे पहले मेरा ट्रैक आया था कश्मीरी पंडितों पे, हम लौटे हम लौटेंगे उन हसी वादियों में, हम लौटेंगे। आज का सर जो गाना है आज का ये जानम फिदाए हैदरी, तो ये एक नात शरीफ है। तो मेरी ओर से आप सबको ईद की मुबारक इन एडवांस। तो उसकी 2 लाइनें गाता हूँ। जानम फिदाए हैदरी यारी अली अली, जानम फिदाए हैदरी याली अली अली। तो ये नात शरीफ जानम फिदाए हैदरी मेरे अपने चैनल ऑक्टेव 9 रैकेट्स पे रिलीज़ हो चुकी है। आप सब लोग सुनिएगा, प्यार दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत अच्छे अच्छे ट्रैक्स आप सबके लिए। थैंक यू।